Unites.com, redefining Bollywood. मैं समझता हूँ कि एक फिल्म की एक अच्छी एल्बम के लिए वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स होना ज़रूरी होता है। आप मेरी सभी फिल्में देख लीजिए, अगर चोली के पीछे गाना है तो ओ माँ तुझे सलाम भी गाना है उसमें किसी तो, क्योंकि जब किसी भी कैरेक्टर के थ्रू, स्टोरी के थ्रू जब उसकी यात्रा होती है तो अलग अलग इमोशन से वो लड़की गुजरती है, तो गाने भी अलग अलग तरीके के होंगे। तो हर गाने जो हैं, जो गाना है हमारा, वो हर सिचुएशंस को एक्सप्रेस करता है। और मोस्टली मेरी फिल्मों में जो गाने हैं वो कहानी का पार्ट होते हैं। पिक्चर देखने के बाद आपको गाने की महत्ता ज़्यादा महसूस होगी। अभी तो सुन रहे हैं इसलिए आपको अच्छा लग रहा है और मुझे खुशी है कि रिसेप्शन अच्छा हुआ है, लेकिन फिल्म देखने के बाद आपको और अच्छे लगेंगे क्योंकि वो कहानी से जुड़े होते हैं। मुझे एक ऐसे नाम की ज़रूरत थी कि जो पहाड़ी इलाके से बिलोंग करे और म्यूज़िकली भी ठीक हो और एक उसके अंदर इंटरनल स्ट्रेंथ हो। इन्होंने कांची के ऊपर लिखा, इस अपना इरशाद जी ने, कांची तू तो सांच की जैसे, तो सच्ची है तू आँच के जैसे, तू परखे तो परखते है लोग। तो कांची जो है वो फ्रिजाइल भी होती है लेकिन जब जिस पर पड़ती है वो जख्मी भी कर देती है, तो इसे फ्रिजाइल ब्यूटी कहना रहती है। नॉर्मली कांची जो है वो नेपाली पहाड़ी इलाके में ज़्यादा कहा जाता है, जो कि बहुत इनोसेंट ब्यूटी जिसको बोलते हैं। तो मुझे कांची वर्ड अच्छा लगा, जैसे मुझे ताल अच्छा लगा। देखिए, मैंने पढ़ा सलमान जी ने जो ट्विटर पे बोले थे, तो सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने हमारा ट्रेलर देखा। इतने बिजी स्केड्यूल के बीच उन्होंने ट्वीट किया हमारे बारे में। आई थिंक ये हमारे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो यही है। आई मीन या सलमान सर ट्वीट कर रहे हैं कि फिल्म का ट्रेलर मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा, इट्स ब्यूटीफुली शॉट एंड सुभाष जी इज बैक, ऑल दोस थिंग्स, तो वो सारी चीज़ें बड़ी मैटर कर जाती है। और उसके अलावा हम लोग को एक्चुअली दो दिन पहले, तीन दिन पहले मिथुन दा मिले थे जो कि इस फिल्म का पार्ट भी हैं, और वो बहुत ज़्यादा खुश थे फिल्म के ट्रेलर से और उसकी फ्रेशनेस से। सो आई थिंक ये बड़े जो एक्टर्स हैं, लेजेंडरी एक्टर्स हैं, उनका सपोर्ट मिल रहा है, तो उसकी वजह से वी आर फीलिंग ब्लेस्ड है। उससे ज़्यादा क्या मांगेंगे। आज अच्छा लगा कि हम रेडियो मिर्ची में और हमने इंटरव्यू दिए और प्रकृति जी ने बहुत अच्छे सवाल पूछे हम लोगों से, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल थे, और उन सवालों से हमें पता लगा कि हमारी पब्लिक क्या जानना चाहती है कांची के बारे में, कांची के एक्ट्रेस के बारे में, हमारे बारे में, और हमने सारे जवाब दिए उनको। जितने चुस्त सवाल थे उतने चुस्त जवाब थे। तो आपको प्रोग्राम तो सुनना पड़ेगा, लेकिन इट इज़ अ डिफरेंट डिलाइट टू बी विद द मिर्ची पीपल। दे आर वंडरफुल पीपल, एनर्जेटिक, लविंग एंड इनकरेजिंग। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोगों की दुआ हो, क्योंकि हमें दुआओं की भी बहुत सख्त ज़रूरत है, और आपकी दुआ होगी तो हमारी फिल्म भी जो है लोगों को पसंद आएगी, आपको भी पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Click on the subscribe button and stay tuned.